हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन थी कि जिसमें हर टर्म से अगली टर्म के दरमियान एक कॉमन डिफरेंस था। मतलब ये है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट विल बी इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड दैट इज ऑफकोर्स इक्वल्स टू द कॉमन डिफरेंस डी। अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लें तो दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस विल बिकम्स हार्मोनिक सीक्वेंस, ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सीक्वेंस है 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 and so on। अगर हम इस सीक्वेंस के सिर्फ डिनोमिनेटर्स को लिखें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर की हर टर्म और उससे अगली टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम है एंड दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। सो फर्दर मोर, एक बात बहुत जरूरी है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी, क्योंकि 1/0 दैट बिकम्स अनडिफाइंड। सो सिमिलरली हम इसका अब जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने लिखा था a1 + a1 + d + a1 + 2d and so on कि हमारे पास जो nth टर्म का जो फॉर्मूला था दैट वाज a1 + n-1 × d। सिमिलरली हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इस तरह लिखेंगे 1/a1 + 1/a1 + d + 1/a1 + 2d up to so on up to nth term and that is 1/a1 + n-1 × d। So this is the harmonic progression. Similarly, हमारे पास एक example है कि जिसमें fourth term और seventh term of this harmonic progression आपको बताई हुई है एंड दैट इज 2/13, ये फोर्थ टर्म है, और 2/25 ये हमारे पास सेवंथ टर्म है, और साथ में ये भी बताया गया है कि ये आपके पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हमने टोटल जो सीक्वेंस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हम देखेंगे कि 1/a4 दैट इज इक्वल टू 2/13 एंड 1/a7 दैट इज 2/25। दोनों साइडों पे हम रेसिप्रोकल लेंगे या हम इसका इन्वर्स लेंगे, सो a4 विल बिकम्स 3/2, 13/2 एंड a7 दैट विल बिकम्स 25/2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डायरेक्टली फॉर्मूले हम इस पे अप्लाई करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस एंड दैट विल बी a4 को हम लिख सकते हैं a1 + 3d। सिमिलरली a7 को हम लिख सकते हैं a1 + 6d। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास a1 दैट विल बी कैंसल्ड आउट, तो सिर्फ आपके पास d की टर्म्स में इक्वेशन रह जाएगी। यू कैन सी दैट a1 विल बी कैंसल्ड आउट बाय -a1 एंड रेस्ट ऑफ इक्वेशन हैविंग 3d, 60 - 3d दैट इज इक्वल्स टू 3d। सो यू कैन सी दैट 3d इज इक्वल टू 12/2, so d will be equals to 2। हमारे हर दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन 1, वी विल गेट a1 + 3 × 2 इज इक्वल टू 13/2। जो ओरिजिनली फॉर्मूला था a1 + 3d इज इक्वल टू 13/2, एज a1 + 3d हमारे पास फोर्थ टर्म यानी कि a4 की वैल्यू है। यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू आएगी आफ्टर द कैलकुलेशन, a1 विल बी इक्वल्स टू 1/2। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज। अब यहां से हम a1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, a2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, a3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन।
और इन सब टर्म्स का इनवर्स या रेसिप्रोकल हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस होगा. वी सी दैट ए टू ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट विल बी इक्वल्स टू ए वन प्लस डी एंड ऑफकोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू 5/2. सिमिलरली ए थ्री विल बी इक्वल्स टू 9/2. हेंस जो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस जो आएगी दैट विल बी 2/1, 2/5, 2/9, 2/13 एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टोटल वैल्यूज, टोटल ऑल द टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस.